कोर्ट ने बदलापुर सेक्सुअल चाइल्ड असोल्ट केस में बाजाब्ता तौर पर सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने यह दरियाफ्त किया है कि आम तौर पर पुलिस सर में गोली मारती है। बता दें आपको कि बदलापुर में अक्षय शिंदे नामी मुलजिम का एनकाउंटर किया गया और ये चाइल्ड सेक्सुअल असोल्ट केस में बाजाब्ता तौर पर मुलजिम था और इसे ट्रांजिट रिमांड के लिए कार में ले जाया जा रहा था। उस दौरान मुलजिम ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनी और पुलिस ने इस पर गोली मारी और गोली मारकर इसे कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि ये जो है अपोजिशन ने इसे कत्ल करार दिया, तो दूसरी तरफ बरसरे इक्तदार पार्टी बीजेपी और शिवसेना जो है इसका न सिर्फ ये कि पब्लिसिटी कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि ख्वातीन की हिफाजत के लिए सरकार न सिर्फ ये कि बेहतर इंतज़ाम करती है बल्कि ख्वातीन की हिफाजत के लिए वो पाबंद अहद है। इसलिए मुंबई के मुतअद्दिद इलाकों में वज़ीर दाखला देवेंद्र फडणवीस के कदादम बैनर लगाए गए जिसमें देवेंद्र फडणवीस जो है हथियार लिए हुए है और उसमें जो है ये लिखा गया है कि बदलापुर एनकाउंटर में जो है देवेंद्र फडणवीस को मुबारकबाद दी जा रही है और एक बैनर ऐसा भी लगाया गया है जिसमें लिखा गया है बदला पूरा हुआ, यानी बदलापुर की जगह बदला पूरा हुआ लिखा गया है, जबकि हाईकोर्ट ने इस एनकाउंटर को सवालों के घेरे में लाया है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर शुभात जाहिर नहीं किए है, उसने पुलिस की कार्रवाई पर कोई भी शुभात का इजहार नहीं किया है बल्कि इस मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट तलब की है और ये भी बताया है कि किस तरीके से जो है एनकाउंटर किया गया है, ये हकायक सामने आना ज़रूरी है। बता दें आपको कि जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है, अपोजिशन जो है सरकार पर हमलावर है और ये कह रही है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है दूसरे इस मामले में जो मास्टरमाइंड है इनको बचाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए शिंदे का एनकाउंटर किया गया है, जबकि मुलजिमिन के घर वालों का भी ये कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है और उन्होंने लाश लेने से भी इनकार किया था। बता दें आपको कि इस मामले में एतराज़ दाखिल करते हुए एक अर्जी दाखिल की गई थी जिस पर हाईकोर्ट ने समाअत जारी की है और हाईकोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी की है, फॉरेंसिक रिपोर्ट तलब की है और इस मामले की इंक्वायरी का जो है रिकॉर्ड तलब किया है। इस मामले में SIT तैयार की गई है और जो एनकाउंटर हुआ है उसकी जाए वकू पर जाकर जो है रिहर्सल भी की गई है, किस तरीके से एनकाउंटर किया गया इसकी तफ्तीश भी की जा रही है, इसमें टीमें तश्कील दी गई है। बता दें आपको कि जिस तरीके से बदलापुर में जिंसी इस्तेहसाल के मामले में, बच्चियों के जिंसी इस्तेहसाल के मामले में अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ है, वो कहीं ना कहीं सियासत का शिकार हो गया है अब और बरसरे इक्तदार पार्टी BJP और शिवसेना जो है इस पर जो है सबकत ले जाने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो ख्वातीन की हिफाजत के लिए पाबंद अहद है और ख्वातीन जो है रियासत में महफूज है। लेकिन बताया ये जाता है कि अपोजिशन पार्टियों ने ये सवाल खड़ा किया है कि ये जो मामला है मुलजिम की सज़ा जो है अदालत से होनी चाहिए, ना कि इस तरह से एनकाउंटर से उसे सज़ा दी जानी चाहिए, जबकि बरसर इक्तदार पार्टी अपोजिशन पर तनकीद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो मुलजिम की हिमायत कर रहे हैं, वो किस तरफ है, ये मुतासिरा के साथ है या मुलजिम के साथ है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में सवाल खड़े किए हैं, ये भी बताया है कि ये मानना बहुत बहुत जो है मुश्किल तरीन है कि एक चार अफसरान के बीच में एक मुलजिम जो कि तरबियती याफ्ता भी नहीं है जबकि पुलिस तरबियती याफ्ता है और उसने कैसे पुलिस पर हमला किया, ये समस्या बालातर है। इसके साथ ही पुलिस ने किस तरह से उसको कंट्रोल नहीं किया, क्या मुलजिम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त बेहतर इंतजाम नहीं किए जाते, क्या पुलिस इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देती, उसने किस तरह से पुलिस की रिवॉल्वर छीनी और क्या ऐसे मामले में अक्सर जो है आमतौर पर पुलिस सर में गोली मारती है या पैर पर गोली मारी जाती है। इस तरह के सवाल जो है हाईकोर्ट ने न सिर्फ ये के उठाए हैं बल्कि इस मामले में रिपोर्ट भी, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी दाखिल करने की हिदायत दी है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।